हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सोनिया। और मैं हूँ सोनिया। मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 100% इफेक्टिव स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी, जिसे यूज़ करने से आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही ग्लोइंग और ब्यूटीफुल। तो देर किस बात की, फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल बटन है इसे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। इस होम रेमेडी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्क्रब एंड सेकंड है पैक, यानी कि मास्क। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए चीनी यानी कि शुगर, नींबू यानी कि लेमन, टमाटर यानी कि टमाटो। सबसे पहले आप एक एम्प्टी बाउल में एक चम्मच चीनी डालिए और इसमें आधा नींबू अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसके बाद एक चम्मच की हेल्प से इसे मिलाते रहिए जिससे कि शुगर थोड़ा मेल्ट हो जाए। उसके बाद एक टमाटो को स्लाइस कीजिए और स्लाइस करके इस मिश्रण में डिप कीजिए। डिप करने के बाद इस टमाटो की हेल्प से अपने फेस पर जेंटली स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब आपको बहुत ही जेंटली करना है, इससे आपका स्किन जिससे डैमेज ना हो। और ये स्क्रब आपको 2 से 5 मिनट तक करना है। इस स्क्रब में है शुगर। शुगर स्क्रबिंग हमारे स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करती है और स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करती है। शुगर से आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन मिलती है। इसमें है लेमन। लेमन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें एक्ने से बचाती हैं। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में वाइटामिन सी और सिट्रिक एसिड होते हैं जो हमारे स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन बनाते हैं। साथ ही इस स्क्रब में है टोमेटो जो कि हमारे लार्ज पोर्स को रिड्यूस करके डल स्किन को ग्लोइंग बनाता है। 2 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। पैक बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, आलू यानी कि पटेटो, जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। सबसे पहले आपको आलू को पील कर लेना है और ग्रेटर की हेल्प से उसे ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद एक स्ट्रेनर में उसे डालकर दबाते हुए उसका जूस कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक एम्प्टी बाउल लेना है और उसमें 2 टीस्पून बेसन ऐड करना है। अब इस बेसन में आपको 2 to 3 स्पून पोटैटो जूस जो हमने कलेक्ट किया था वो ऐड करना है। और इसके बाद इसमें आपको 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है। इसके बाद इसे मिलाते हुए एक थिक पेस्ट बना लेना है जिसे हम अपने मास्क के रूप में अप्लाई करेंगे। इस मास्क में है बेसन जो कि हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है। साथ ही इसमें है पोटैटो जूस जो कि हमारी स्किन को रिंकल फ्री करने के साथ साथ उसे लाइटन भी करता है। और इसमें है ऑलिव ऑयल जिसे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ मॉइस्चर भी देता है। इस पैक को 10 से 15 मिनट लगा रहने दें और सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस होम रेमेडी के अच्छे रिजल्ट के लिए इस रेमेडी को वीक में 1 टाइम जरूर यूज कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहें तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।